सब करते नाश्ता, जिनमें कोई कोई छोटे से गारे आ रहे और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग से अपने एवरीवन, कैसे आप लोग आए हो, मस्त होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू है देवभूमि की खूबसूरत पहाड़ की वादियों से। दोस्तों आज भी यहाँ कुयोड़ू लग रखा, उधर हल्का से पहाड़ दिखाई दे रहा और आसमान में पूरे बादल लगे हुए आज भी। तो दोस्तों रात को तो यहाँ बारिश आ रहा, पर सुबह के टाइम पर थोड़ा मौसम साफ हो जा रहा। दोस्तों थोड़ा देर पहले यहाँ मौसम साफ होने लग गया था और अभी हल्का सा कुयोड़ू लगने लग गया इधर से। और यहाँ रात में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश आ रहा और सुबह के टाइम पर थोड़ा मौसम ठीक हो जा रहा। दोस्तों अभी टाइम 8 बज चुका है और अभी यहाँ फिर से पूरा कुयोड़ लग गया, थोड़ी देर पहले थोड़ा साफ होने लग गया था मौसम। और आजकल सावन के महीने का मौसम का पता नहीं चलता कब यहाँ बारिश आ जाए। और अभी हमारा नाश्ता खाने का भी टाइम हो गया, हम करते हैं नाश्ता। तो और नाश्ते में आज रोटी और चना बन रखे, और ये चना बना रखे और ये रोटी, तो करते हैं नाश्ता। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी मम्मी यहाँ पे चावल छाट रही, तो इन चावल में कुछ हल्के से घांगरे और लाल चावल आ रहे, उनमें हल्के से कलर लगे हुए हैं। और ये चावल ग्राउंड से ला रखे, जिनमें कोई कोई छोटे से गारे आ रहे और किसी चावल पे कलर लगा हुआ आ रहे, इधर है लाल कलर लगे हुए हैं। और कुछ लाल, कुछ हल्के नीले कलर लगे हुए हैं और छोटे छोटे गारे आ रहे हैं, तो इनको पूरे चावल छांट रहे भी, तो कुछ कल छांट देते और कुछ आज छांट रहे। दोस्तों अभी यहाँ पर हल्का सा बारिश का बूंदाबांदी भी होने लगी है, अभी हमारा खाना भी बन के तैयार हो गया, चलो हम भी चलते हैं खाना खाने के लिए अंदर। तो दोस्तों अभी टाइम 1 बजने वाला है और थोड़ा देर पहले यहाँ हल्का सा बारिश का बूंदाबांदी हो रही थी और अभी मौसम बिल्कुल साफ होने लग गया और अभी तो यहाँ मस्त वाला धूप निकल चुका है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए ऊपर ओली वाला रोड साइड। आज मम्मी भी गांव के लिए निकल गई, 1:30 बजे के आसपास यहाँ से निकल गई थी, तो कल से गांव में केट प्लान के काम हो रहे, तो पौधे लगाने गांव में, इसीलिए मम्मी भी गांव चली गई। दोस्तों मुझे यहाँ रास्ते में किरमोड़ का पेड़ दिखाई दिया, ये पूरे कांटे वाले पेड़ होते हैं, इनमें छोटे छोटे दाने लग रखे, किरमोड़ लग रखे इन पर, ऐसे कांटे वाले पेड़ एक भकू का भी होता है, इससे थोड़े बड़े दाने लगते हैं उन पर, तो उनका तेल भी बनाया जाता है। दोस्तों अभी मैं रोड में पहुंचने वाला हूं और यहां से ऊपर होटल दिखाई दे रहा है, सतोपंत होटल। दोस्तों अभी मैं रोड में पहुंच चुका हूं और यहां से मैं राइट साइड जाऊंगा घूमने, तो टीवी टावर से थोड़ा आगे जाऊंगा घूमने ओली वाले रोड पे। दोस्तों अभी मैं टीवी टावर के वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से दो रोड जाते हैं, एक मार्केट के लिए और एक ऊपर ओली के लिए, जो ऊपर वाला रोड जा रहा था ये ओली के लिए जा रहा है और नीचे वाला मार्केट के लिए, तो मैं भी इसी ऊपर वाले रोड पर जाऊँगा घूमने आगे तक। दोस्तों एक दिन हम लोग इसी रास्ते से ओली गए थे जनवरी में, जब यहाँ भयंकर बर्फ गिर रहा था, तो इसी रास्ते से गए थे हम लोग ओली, तो इस रास्ते से हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था ओली पहुँचने में। दोस्तों आजकल ये वाला रास्ता पूरा सुनसान हो रहा है, बहुत कम गाड़ी चल रही है, तो जो लोकल लोग होंगे वही चल रहे आजकल इस रास्ते पे, टूरिस्ट तो आजकल आते नहीं यहाँ ओली में। दोस्तों अभी मैं यहाँ से वापस अपने घर के लिए जाने लग गई हूँ, यहीं तक आया था घूमने के लिए। दोस्तों आप लोग यहाँ नीचे दिख रहे होगा इधर, तो जमीन नीचे धस रहा हल्का सा, पूरे दरार आ रखे इधर, तो यहाँ से आगे तक दरार आ रखे पूरे। दोस्तों यहाँ से आप लोग को पूरा चारों ओर की व्यू दिखाता हूँ, उधर सुनील दिखाई दे रहा है और उसके नीचे थोड़ा डाडो है और उसके नीचे मार्केट।
दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका सुतोबंद होटल के वहाँ पर, यहीं आगे से मुझे नीचे जाना है। तो आजकल यहाँ रास्ते में भालू का डर भी रहता है और जंगली सुअर भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ। अभी मैं पहुंच चुका हूँ गांव में और आप लोगों को यहाँ से पूरा गांव का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।